इंदौर की खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के अजय चोरड़िया को दी बड़ी जिम्मेदारी। अजय चोरड़िया को बनाया उद्योग और व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। चोरड़िया जी को मिली जिम्मेदारी और व्यापारियों को लेकर क्या रहेगी उनकी रूपरेखा, दस्तक लाइव के सहयोगी शकील सिकंदर ने जाना अजय जी से उनके कार्य का मकसद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शहर इंदौर के एक बेहद जिम्मेदार और दिल से कांग्रेसी कहे जाने वाले मिस्टर अजय चोरड़िया को व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पद से नवाजा है। आज हमारे साथ अजय चोरड़िया जी मौजूद हैं। सीधी बात करते हैं अजय जी के साथ। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ का आपको अध्यक्ष बनाया है, क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी अब से? देखिए शकील भाई, सबसे पहले तो मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पर मुझे बिठाया है। और मैं सबसे पहले उनको बतला देता हूँ कि मैं इस पद पर पूरा खरा उतरने की और व्यापारियों और उद्योग के की समस्याओं को हल करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भी उनका साथ दूंगा। व्यापारियों के और उद्योग के सभी दुख दर्द को दूर करने के लिए जितनी कोशिश बन पड़ेगी करने का पूरा भरसक। अजय जी, सुनने में यह आया है कि पद आपके पास पहुंचे सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं और इंदौर की अगर बात की जाए या पूरे प्रदेश की बात की जाए, GST जो लगाया गया है क्लॉथ पर, उसको लेकर आपने कोई बयान जारी किया है, वो किस तरह का बयान है और क्या कपड़ों के व्यापारियों के साथ आपकी मतलब कितना आपकी दिल लगा हुआ है, क्या करेंगे आप उनके लिए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक पार्टी है जो अपने आप को व्यापारियों की पार्टी कहती है, उद्योगपतियों की पार्टी कहती है, पर उन पार्टी को थोड़ा अपने आप में एक करेक्शन करना चाहिए कि ये कुछ उद्योगपतियों की पार्टी है, क्योंकि इस पूरे देश में व्यापारी कभी भी BJP का साथ नहीं देगा। और अब आप देखिए, अभी आपने भी देखा है, थाली कटोरी चम्मच बजाकर लोगों ने भाजपा से दूर होने का ऐलान किया है। और जहाँ तक रही 24 घंटों की बात का सवाल, ये तो पिछले कई दिनों से इशू चल रहे हैं। सबसे पहले व्यापारियों की परेशानी नोटबंदी से चालू हुई। नोटबंदी के दर्द से लोग उभरे भी नहीं थे, उसके पहले आग में GST ने घी का काम किया। GST को आप देखिए कि सैकड़ों अमेंडमेंट के बाद आज भी GST में कोई ऐसा नहीं लगता है कि किसी तरह से व्यापारियों के लिए या उद्योगपतियों के लिए संगतपूर्ण कार्य किया गया। इतनी विसंगतियां उसमें है। और कोविड के कार्यकाल में सरकार द्वारा न किराए में, न बिजली के बिल में, न किसी अन्य तरीके से व्यापारी और उद्योग को इन्होंने किसी तरह की कोई रियायत दी, बल्कि उन्हें परेशानी के बोझ से लाद दिया है। अब मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं कि जहां तक GST का सवाल है, कपड़ा उद्योग पर 5% से बढ़ाकर 12% की गई है, यह मुद्दा नॉलेज में आया था और हमने माननीय अध्यक्ष जी को नॉलेज में लाया है कि इस तरह की परेशानी हो रही है और पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। और कपड़ा के साथ ई बिल, रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर ई बिल भी किया गया, जो किसी तरह इंस्पेक्टर राज की वापसी के अलावा कुछ भी नहीं है। और संवेदनशील हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने उसे बड़ी तत्परता से लेते हुए आज एक बयान भी जारी किया है कि सरकार इस दोनों चीज़ों को तत्काल हटाए, जो GST की बढ़ी हुई दर है उसको तत्काल हटाए, जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर ई बिल लगाया है उसको तत्काल हटाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट 1 जनवरी से नहीं किया जाए। और इस व्यापारियों के इस जो संघर्षी घड़ी है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, ये माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की। और अभी से 2 घंटे पहले उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। अब अजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपको जो जिम्मेदारी मिली है, देखा यह गया है कि बात एजुकेशन के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, आप हमेशा उसमें मुकम्मल रहे हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मिली इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद में अब आपकी अध्यक्ष पद के रहते हुए किस तरीके की एक टीम तैयार की जाएगी और कहां से उसकी शुरुआत हो? मैं अगले 1-2 दिन में माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करने के लिए भोपाल जाऊंगा, मैंने समय मांगा है, और उनसे पूरा मार्गदर्शन लेने के बाद और उनकी गाइडलाइन के अनुसार पूरे प्रदेश में हम लोग पहले एक
स्टेट लेवल बॉडी बनाएंगे। स्टेट लेवल बॉडी के बाद अभी तक इस प्रकोष्ठ के अंदर जिला लेवल आता था, जिले के बाद ब्लॉक लेवल तक ये पार्टी अपना वो करती थी। इस बार मेरा एक सुझाव है कि इस चीज़ के बीच में एक संभाग लेवल पर भी उसका एक जोड़ा जाए, संभाग लेवल पर भी कमेटी बना दी जाए जो अलग अलग संभागों में अपनी लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, या क्योंकि मध्य प्रदेश इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर संभाग भी एक आता है तो बड़ी अच्छा रहेगा। इसके लिए जो भी मार्गदर्शन मुझे वहाँ से मिलेगा उस पर कार्य किया जाएगा और बहुत जल्दी से जल्दी सारी कमेटियां बनाकर जिला लेवल की, ब्लॉक लेवल की और संभाग लेवल की अगर इजाज़त मिलती है तो वो करके प्रदेश लेवल की बॉडी तो हम मुश्किल से 10 या 12 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। आप तो ये थे अजय जी जिनको 24 घंटे पहले ही जिम्मेदारी मिली है, और वर्तमान में जो हम कहें मुद्दा है जो बड़ा गर्म है, क्लॉथ पर जो लगाया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, उसका विरोध हम भी दुआ करते हैं अजय जी के लिए कि मिले उस पद का विधिवत वो उपयोग करके व्यापारियों की बात की जाए या आम आदमी की बात की जाए वो उनकी मदद करते रहें। दशक लाइव के लिए शकील सिकंदर, इंदौर।